मेरे चैनल तर्कशील मानव को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हाथ जोड़ कर करूं वंदना हो, हाथ जोड़ कर करूं वंदना भारत की संतान की। आओ सज्जन कथा सुनाऊं गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाऊं गौतम बुद्ध महान की। हाथ जोड़ कर करूं वंदना भारत की संतान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। सब पंथों का परीक्षण करने के लिए संकल्प लिया अपना सफर सिद्धार्थ ने, राजगृह से शुरू किया। सोचा कि पहले आलार कलाम के यहाँ जाना है और उनके मार्ग को खूब अध्ययन करना है। रास्ते में वो ब्रह्म ऋषि का आश्रम देख रुक जाते हैं, वहाँ सभी आश्रम के निवासी से सम्मान वो पाते हैं। तब सिद्धार्थ ने आश्रम में अपना आदर्श प्रस्तुत किया, कुछ दिन में ही आश्रम वासी का अंतह मन मोह लिया। शीघ्र ही सबके मन में भाना हो, शीघ्र ही सबके मन में भाना, बात नहीं आसान थी। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। स्वर्ग वो मुक्ति के साधकों का निरीक्षण करने लगे, नाना प्रकार के तपस्या करते हुए देखे गए। इसी तपस्या के ज्ञाता तब ब्रह्म ऋषि समझाते हैं, हर तपस्या और उनके फल के बारे में बताते हैं। कहा उन्होंने पानी से होने वाला भोजन उत्पन्न, निरग्नि फल और मूल ही तपस्वियों का उचित भोजन। तपस्या करते तपस्वी को जब वो निरीक्षण करते हैं, धीरे धीरे खुद भी वो अभ्यास करने लगते हैं। आश्रम में साधक का निरीक्षण हो, आश्रम में साधक का निरीक्षण, बात सूक्ष्म ज्ञान की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
कई तपस्वियों के तो अलग अलग प्रकार थे, मन और शरीर के आधार पे करते सब स्वीकार थे। कुछ पक्षियों के तरह ही दाना चुग कर खाते थे, कुछ तो दांतों से पीस कर अन्न ग्रहण कर पाते थे, कुछ दूसरों के उबले अन्न से बचा तो खाते थे, कुछ तो हिरणों के तरह ही घास चराचर खाते थे, कुछ तो सांपों की तरह ही वायुभक्षी होते थे, कुछ तो मछलियों की तरह वो पानी में ही रहते थे। एक से एक तपस्वी थे सब हो, एक से एक तपस्वी थे सब। बात है ब्रह्म ज्ञान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ऋषि ने कहा तपस्वी अगर अधिक कष्ट सहता है, निश्चय ही वह अगला जन्म में स्वर्ग लोक में रहता है। मध्यम कष्ट सहन करने पर मृत्यु लोक को पाता है, अंत में जाकर हर एक चीज से सुख का लाभ उठाता है। कष्ट सहन करना ही हर तपस्वियों का उसूल है, क्योंकि कष्ट सहन करना ही सब पुण्यों का मूल है। भृंग ऋषि की बात सुन सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, स्वर्ग लाभ सिर्फ कल्पना है, किसको कब और कहाँ मिला। बात नहीं कुछ भी इसमें है हो, बात नहीं कुछ भी इसमें है, मानवता कल्याण की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब सिद्धार्थ ने कहा है ऋषिवर इस तप से अभिभूत नहीं, और देखना है पंथों को, इसमें मैं संतुष्ट नहीं। संसार के दुख का मूल कारण को पहचाना जाए, उसे दूर करने का तरीका खोज कर निकाला जाए। क्या मैं ऋषिवर आपसे विदा भी ले सकता हूँ, मुझे और आगे है जाना, अब नहीं रुक सकता हूँ। आप और आश्रम निवासियों से मिलना बड़ा सुखकर है, और इन्हें अब छोड़ के जाना मेरे लिए तो दुखकर है। मैंने तो प्रतिज्ञा ली है हो, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है विश्व के कल्याण की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
शाक दर्शन का पूरा ज्ञान पाना चाहता हूँ और योग विधियों का भी अभ्यास करना चाहता हूँ। इन दोनों पद्धतियाँ अगर एक साथ में मिल जाए हो सकता है मेरी समस्या का निदान भी मिल जाए। राजकुमार ने कहा मुनि आलार कलम तक जाना है, उनके अब चरणों में जाकर हर गुण को अपनाना है। भृंग ऋषि ने कहा तुम्हारा तो संकल्प महान है, स्वर्ग मोक्ष में भेद देखना तेरे लिए आसान है। जाओ सफल होगे निश्चित हो, जाओ सफल होगे निश्चित, बात है जग कल्याण की। आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की, आओ सज्जन कथा सुनाओ गौतम बुद्ध महान की।